जो मिडिल ईस्ट का हमारे गल्फ का सबसे कम समय में स्टार डायमंड अचीवर, क्या नाम है आप लोग जानते हैं? यस कामेश्वर मंडल जानते हैं आप लोग नाम? yes. क्योंकि आप लोग नहीं, वर्ल्ड में नाम चल रहे हैं उनका, उनका पूरा वर्ल्ड में नाम चल रहा है कि मिडिल ईस्ट का सबसे बिजनेस ग्रो करके, सबसे ज्यादा बिजनेस करके और स्टार डायमंड का रिकॉर्ड तोड़ दिए हमारे एक मिडिल ईस्ट का कामेश्वर सर ने। और उनके बारे में मैं थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक मिनट। तो हमारे कामेश्वर मंडल सर नेपाल से आए थे, एक गरीब फैमिली से, जो रेडको अलमाना कंपनी में 600 रियाल या 600 रियाल सैलरी में, लेकिन इंडक्शन के बारे में किसी दोस्त ने, किसी साथी मैंने बताया उन्हें भी, तो उनको भी पहले विश्वास नहीं लगा कि तेल साबुन लगाने से कहीं पैसा आता है, उन्हें विश्वास नहीं लगा था। लेकिन इसने बताया कि पैसा आता है वो अलग बात है, लेकिन मेरा सैलरी तो 600 रियाल है। जो आदमी कहते हैं ना आप लोग कि हमारा सैलरी बहुत कम है, मैं कैसे करूंगा रिएक्शन, उनके लिए है भाई। 600 650 रियाल सैलरी में जो काम कर रहे थे, मेहनत मजदूरी कर रहे थे, वो व्यक्ति रिएक्शन ज्वाइन किया। क्या उनके घर पे समस्या नहीं था? Yes, उनके भी घर परिवार था, उनके भी फैमिली था, उनको भी पैसे का जरूरत था, लेकिन फिर भी 250 रियाल 300 रियाल लगा करके डेक्शन ज्वाइन किए। और डेक्शन ज्वाइन करते गए, दोस्तों को बताते गए, बताते बताते एक साल के अंदर में अभी मलेशिया घूम के भी आ चुके हैं डेक्शन के तरफ से, ये पूरा करके आ चुके हैं। उनको मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। और सबसे कम समय में डायमंड बने हैं और इसी तरह एजुकेटेड और सीनियर एजुकेटेड डबल डायमंड बनते हुए क्राउन एम्बेसडर का भी बहुत नजदीक का गोल है उन्हें, और वो भी बहुत जल्दी अचीव हो। और बहुत पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से दोहा कतार नहीं और विश्व में जाने जाते हैं उनको, तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टार डायमंड श्री कामेश्वर मंडल सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उमेश सर के लिए जोरदार ताली, और उनके भी बहुत सारे रिकॉर्ड है हमारे पास, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो कि उनके हाथ में जो डायरी है उसी में शायद यहाँ पे जो कि बहुत आदमी है, लेकिन वो अपना गोल नहीं बताया, उनका गोल 2022 क्राउन एम्बेसडर का है और मेरा 20 का है, क्योंकि जो उनका 22 का है मेरा भी 22 का है, लेकिन मैंने 20 का रखा है और उन्होंने 22 का रखा है, उनके लिए जोरदार। उन्होंने जो बोला है मेरे सामान में वही चीज पे मैं मोटिवेशन करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को इस क्लास में रहना है तो रहिए, और 15 मिनट तक टोटल 15 मिनट तक पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। अगर जो नहीं दे पाएंगे, अगर मोबाइल जो कि चलाने में बेस्ट रहेंगे वो बाहर जा सकते हैं, तो 15 मिनट मुझे टोटल चाहिए। और मैं बताता हूँ, कुछ सवाल भी करूँगा आप लोगों से कि आप लोग क्या है और कहाँ पे जाना चाहते हैं, और उस सवाल का जवाब भी मुझे चाहिए आप लोगों से। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग को, सबसे बड़ा कंपनी तो डायरेक्शन आप लोग बोलेंगे पक्का, ठीक है ना, और मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन जो कि वो भी बोलने वाले हैं शायद, है ना, कि डायरेक्शन से मिलता है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं आप, मोटिवेट होना चाहते हैं, मोटिवेट मतलब प्रेरणा लेना चाहते हैं, yes. और कुछ बनना चाहते हैं, yes. तो ये तो मैं तो एक 2-3 साल पूछना, बहुत आदमी को सुनता हूँ मैं करूंगा। एक आदमी होता है करने वाला, है ना, एक आदमी होता है कहता है बस, एक होता है कहता भी है करता भी है, एक खाली करता ही रहता है, ऐसा बनना चाहते है करते रहने वाला, yes. तो एक ही आदमी बन रहा है, एक ही आदमी बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग बनेंगे, yes. तो अभी देखिए एक ही आदमी बना लिया, ठीक है, इसके लिए जोरदार था। यही कमी है आप लोगों में, मैं कहना आज यही एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आप लोग में क्या कमी रह गया उसको सुधारना चाहते हैं आप लोग, yes. आप लोग सुधारेंगे, yes. देखिए कोई बात नहीं, ये बात नहीं है कि जो कि कमी हर इंसान में होता है उसको सुधारा नहीं जाता, ऐसा वाला बात नहीं, मेरे में भी कमी था और मैं भी सुधार, इंसान का सबसे बड़ा खासियत अगर मानेंगे तो सुधार करने का क्षमता होता है इंसान के अंदर, तो जोरदार ताली। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन लेना चाहते हैं आप लोग, yes. सबसे बड़ा मोटिवेशन, yes. कुछ आदमी डर रहे हैं यार, क्या है सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन चाहिए, yes. लेकिन उसको अमल करना पड़ेगा दोस्त, अगर आप अमल नहीं कर पाएंगे तो ये मोटिवेशन कोई काम का चीज नहीं है। तो मोटिवेशन सबसे बड़ा कहाँ मिलता है, वो अच्छा जगह पे नहीं मिलता,
मैं कहना चाहता हूँ अगर मोटिवेशन ये एडिक्शन के क्लास में नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी एडिक्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको सफल होना है और तो मैं कहना चाहूंगा आप लोग गलत जगह पे जाइए, गलत जगह पे सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, क्या गलत जगह पे होता है मालूम है? आतंकवादी मालूम है? Yes. आतंकवादी मालूम है आप लोग? तो आतंकवादी आदमी क्या काम करते हैं मालूम है? क्या काम करते हैं? दूसरे को मारते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। तो वो उसको तो ये पता है ना मैं एक आतंकवादी हूँ, है ना, और यहाँ पे आप लोग से लड़ने के लिए आया हूँ, आप लोग को मारने के लिए आया हूँ। ये तो डर है भाई, हम भी मर सकते हैं ना। yes. लेकिन आतंकवादी को ये डर नहीं रहता दोस्त, ये डर नहीं रहता है, वो ये सोच के आता है कि मैं मारूंगा मारूंगा मारूंगा। ठीक है, मरने का डर नहीं होता, वो होता है असली मोटिवेशन, क्योंकि वो अपना बाजी, अपना जान का बाजी लगाता है। आप लोग देश में क्या लगा सकते हैं? आप लोग अपना जान का बाजी कोई नहीं लगाया भाई, इसलिए आप लोग डायमंड नहीं बने, आप एक आम आदमी बन के बैठे हैं भाई, और बनते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। क्लास का जो खुर्सी है वो टूट जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक क्लास में बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगा, आप लोग डायमंड नहीं बनेंगे, आप लोग क्राउन द बेस्ट नहीं बनेंगे। आप लोग को बनना है, खानना है, मानना है, तो आप लोग मानिए कि मैं आज से एक क्रांतिकारी बन गया, एक आतंकवादी बन गया, जिसने मुझे मरना है और मारना है। अगर मैं जाता हूँ मरने के लिए एक समय, तो मैं दूसरे को मारूंगा 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 मारूंगा। मारेंगे आप लोग? yes! मारेंगे आप लोग? yes! क्यों उसको देशन में लेके आएंगे? आप लोग नहीं लाते भाई, क्योंकि देखिए इसका सही सही रिजल्ट यही है कि पहले भी यही क्लास था, आदमी उतना का उतना उतना का उतना। आप लोग मरते नहीं है, मरते हैं, मारने नहीं जाते भाई, नहीं होता आप लोगों से। तो अब इस कमी को पहचानिए, क्योंकि आप लोग डायमंड 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 घोषते रहते, बनने का सोचने रहते, क्राउन में बेसर बनने का सोचते रहते। अगर आतंकवादी क्या सोचता रहता है? कोई बड़ा चीज तो नहीं, बड़ा सोच तो उसको नहीं होता है कि अगर जो हमारे देश में, मेरे जो बाहर का उदाहरण नहीं लूंगा, हमारे देश में माओवादी क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे? वो उसका नारा क्या था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी जो है ना वो गरीब लोग को सम्मान दिलाएंगे, और जो बड़ा धनी आदमी है ना उसको झुकाएंगे। ये मोटिवेशन था ना? क्योंकि बहुत सालों से दबाया गया था हमारे समाज को, है ना, तो वो लोग को जागा, गरीब आदमी लोग जागा, जो उसमें शोषित हुआ था बड़े आदमी से। किसी को कोई गुंडा क्यों बनता? क्योंकि उसके परिवार के साथ में बहुत बुरा होता है, तो चलते उसके बदला लेने के लिए क्या करते हैं, बुरा आतंकवादी बनता है। I'm right? yes! तो बुरा होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए बनता है वही सोच के लिए, क्योंकि बड़े आदमी के लिए उससे बदला लेना है, इसलिए आदमी, क्योंकि नेपाल में माओवादी का संगठित हुआ था। I'm right? yes! Right? Yes! तो आप लोग को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग के साथ उससे ज्यादा बुरा होता है, आप लोग को मानना है, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप लोग के साथ ज्यादा बुरा होता है, ज्यादा जाति हो रहा है आप लोगों के बीच, क्योंकि आप लोग ये देखिए, क्योंकि आप कंपनी में आते हैं उससे ज्यादा जाति होता है कि नहीं होता? yes. होता है? yes. उससे के लिए आप आवाज उठाएंगे आप लोग? yes. नहीं नहीं हो गया भाई, मैं क्यों नहीं उठाएंगे भाई? अरे गल्फ में आप लोग के साथ जाति होता है कि नहीं? मानवीय दुर्व्यवहार होता है आप लोग के बीच, क्योंकि ह्यूमन राइट मालूम है ना, मानवीय अधिकार, उसको हनन किया गया है आप लोग के बीच में, क्योंकि नियम के अनुसार आप लोग के कैंप में सुविधा मिलता है नहीं? मिलता है नहीं? आप लोग क्यों चुप है, अपना जुबान क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? डरते हैं आप लोग, आप लोग कायर है। Yes. तो क्यों बोलती बंद हो गया भैया, आवाज yes. कब उठाएंगे? मरेंगे कभी, मारेंगे कभी? आप लोग बोल रहे थे कि हम सबसे बड़ा मोटिवेशनल बनेंगे, मार देंगे, आप तो एक आदमी को नहीं मार सकते, आप लोग चुहाए भाई सब। अगर गलती हो गया होगा तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अब तो मैं कहता हूँ मारना भी नहीं पड़ेगा दोस्त। डिएक्शन का क्रांति आप लोग के बीच आ चुका है, डिएक्शन करो। मैंने किया, मैं आज आजाद हूँ, आज मैं अपने भिसा के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोग को,
मुझे भी पता नहीं था, आज का घटना है जो कि मेरे रूम में एक आदमी वो बात उठा रहा था, वो ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर है, वो बोला था कि मैं बोला कि मैं ड्राइविंग स्कूल करना चाहता हूँ, मैं बोला कि मैं ड्राइविंग स्कूल करना चाहता हूँ, उसको लगा ऐसे ये ड्राइविंग स्कूल करेगा, अरे भाई ड्राइविंग बनने के लिए वीसा दूसरा लगता है, वो मेरे को नीचे दिखाते हुए बोला, मैं बोला मेरा वीसा ऐसा है ना जो कि मैं कर सकता हूँ, बोला दिखाओ कैसा वीसा है, वो पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का वीसा है मेरा, मतलब इंग्लिश, अब वो खुद बोला, वो चौंक गया और उसको मुझे भी मालूम नहीं था, एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है, अगर आप लोग को किसी को इंग्लिश अच्छा तरह का आता हो तो आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आया हूँ, प्रतिनिधित्व करने के लिए कतार में आया हूँ, किसी का गुलामी करने के लिए नहीं हूँ, प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ कतार में, ये छोटा मोटा विषय नहीं है दोस्त, प्रतिनिधित्व करने आया हूँ मैं कंपनी के लिए, ठीक है, और वो भी नेपाली बंदा, बारह हजार सैलरी प्रत्येक महीना दिखाना पड़ता है और परिवार को रखने के लिए 12,000 सैलरी चाहिए और वो मैं मेंटेन करता हूँ, आप लोग भी करना चाहते हैं yes. और आप लोग के लिए सबसे ज्यादा जाति होता भाई आपके परिवार में जाति होता है, आप देखिए क्योंकि आपका परिवार पैसा बिना क्या क्या हो रहा है, घर पे फोन आता है ना टेंशन बोलते हैं आप लोग, उसको टेंशन बोलते हैं, अरे भाई जाति हो रहा है आप लोग के घर में, क्योंकि आप लोग पैसा नहीं पठा पाते हैं, आप लोग अपने परिवार को अच्छा खाना नहीं खिला सकते, आप लोग खुद आप लोग के साथ में इतना जाति होता है, आप लोग कभी आवाज नहीं उठाते, बोलते हैं कि हम जब सबसे ज्यादा क्रांति करेंगे, डायमंड बनेंगे, ये करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, लीडर बनेंगे, आप लोग लीडर नहीं है भाई, मैं लीडर मानता हूँ उसको गुंडा को, जो कि अगर एक फिल्म देखते हैं आप लोग ना भाई, थोड़ा गुंडा के बारे में भी पूछ देख लीजिएगा, अरे भाई बॉस के लिए जान दे देता है, आप लोग में से कौन है, मेरा लीडर कौन है सामने मेरे लिए जान देने वाला है, क्या नहीं देंगे, अगर जो लीडर जान देगा ना मैं जान भी नहीं मांगूंगा, उसका जान बचाऊंगा, लेकिन मेरा बात जो मारेगा वो डायमंड बन जाएगा भाई, क्या पता है मालूम है, क्योंकि वो 10,000 रुपए चलता है, लेकिन आप मैं बताऊं दोस्त, आज का दौर है ना दिखावा का होता है, जो असली होता ना अपना रंग दिखाता है, और हीरो बोलते ना हीरो, अगर जो आदमी असली शाहरुख खान का जो कि फैन होता है ना, वो शाहरुख खान के जैसा बोलता है, वैसा हेयर कट लगाता है, वैसा कपड़ा लगाता है, वैसा चश्मा लगाता है, वैसा जूता लगाता है, उसको बोलते हैं हीरो, लेकिन आजकल रिएक्शन आदमी सफल क्यों नहीं होते मालूम है, मैं देखा बहुत सारे लीडर को सफल नहीं होता, एंड वक्त पे वो जो कि फिसल जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे का कॉपीकेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन दोस्त सफल आदमी को, जो कि आज हमारे सामने ये बंदा खड़ा है वो आ गया समय पे, मैं बताना चाहूंगा, सर आप क्या बोले थे मुझे, बार बोलिए जरा, सेम टू सेम बोलिए, आपका साथ में फोटो खींचने के लिए आपका फैन हो बोल रहे, हाँ ताली, सर आपका अच्छा काम है, आपका क्वालिटी जो बोलने का तरीका जो आपने इसमें कॉल है उसके लिए अच्छा लगा, इसलिए आपके साथ फैन बना, भाई इससे बड़ा पैसा मुझे नहीं चाहिए, आदमी मैं नहीं था भाई, क्या मालूम है मेरा सोच कैसा था, अरे कतार में अंदर बियर में चलो, हाफ पैंट में चलो, मैं बहुत आदमी को बोला हूँ, रेप्टो कंस्ट्रक्शन हमारे में कोई आदमी मिल जाए अगर अपने गांव वाले पूछ लीजिए, यार कौन लड़की देखेगा हमको यार, छोड़ो यार, अली वाली शॉर्ट पैंट था रखता था और नेक्कर में, क्योंकि नेक्कर 5-6 मंगाता था मैं नेपाल से, नेक्कर में चलता था, आज देखिए मेरे को पता चला यार अच्छा कपड़ा लगाने से कोई जरूर जो कि देखता है और जरूर समझ में आता है, सारे बदल जाएंगे, अपने आप को बदलो हजारों बदल जाएंगे, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, तो अगर आप लोग को कॉपी कैप करना है तो एक जो कि चूज करिए, एक देखिए भक्त बनना है तो एक भगवान चूज करिए भाई, 10 भगवान का भक्त कभी नहीं हो सकता है, देखिए आप रामायण उठा के देखिए, महाभारत देखिए, जो भी देखिए, कोई भी बना है तो कोई शिव का भक्त बना है तो 70 शिव भक्त है, ठीक
ठीक है, वो नहीं कि वो पार्वती का भक्त बन गया। कोई पार्वती का भक्त है तो कट्टर पार्वती का भक्त भूलेगा आपको, कोई राम का भक्त है तो कट्टर राम, जैसे कि सबरी राम का भक्त था। I'm right? Yes. I'm right? Yes. आप भी अपना गुरु चुनिए, गुरु चुनिए। यहाँ पे गुरु नहीं चुनते हैं, क्योंकि आप किसी को गुरु चुनेंगे, मैं देखता हूँ मेरे टीम में बहुत आदमी गुरु तो नाम दे देते हैं लेकिन काम चला जैसा नहीं करता भाई, खुद अपने आप चलाना शुरू कर देते हैं तो वो नहीं होता है। इलेक्शन नेटवर्किंग, आप कहीं पे भी जाओ, बड़े बड़े मोटिवेशन को मैं मिला और बहुत आदमी को मिला। और मैं मलेशिया गया था तो वहाँ पे भाई लाखों में जो कि 200 देश का लीडर से मैं मिला, कुछ न कुछ तो लेके गया क्योंकि इतना दूर गया था तो कुछ न कुछ सीख के आया हूँ दोस्त। तो वहां पे मेरे को यही सीखने को मिला, मेरे को हर लीडर यही बोला कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, अब बीच में कमाओ पैसे भाई, दिमाग में सफल हो रहा है। और देखिए, और मैं कर रहा था बात गुंडा का, गुंडा का जो बॉस होता है ना वो जो बोलता है वो गलत बोलता है, पता है गलत बोलता है, लेकिन उसका आदमी वही काम करता है, दूसरा अपना दिमाग नहीं लगाता कभी। उसको मार दो तो सोचता नहीं कि उसका बीवी बच्चा क्या होगा, मार देता है भाई, ठीक है ना, तभी तो बच के रहता है। अगर वो प्यार में पड़ते, जब उसका फैमिली में पड़ते तो झमेला में पड़ जाता है, पुलिस के केस में चला जाता है, क्योंकि वो अपना बॉस का बात नहीं मानते इसलिए समस्या में पड़ता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में भी हो वो उसका जो कि गुरु होता है वो सही सिखा रहा होता है, जब वो थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट लेता है वो फंस जाता है। I'm right? Yes. फंसता है ना? Yes. तो भाई जिस क्षेत्र में हीरो बनना चाहते हो, गुंडा के क्षेत्र में बड़ा गुंडा बनना चाहते हो तो उसका बात जरूर मानना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाओगे फेल हो जाओगे। I'm right? Yes. तो देखिए दिमाग सेम टू सेम लगाना है, जो बोलते वही करो, क्योंकि भाई वो आदमी उसी तरह रास्ता से आए इसलिए बता रहा है, क्योंकि गलत रास्ता आपको कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि बहुत आदमी होगा जो कि आपको गलत रास्ता बता देगा लेकिन आपका अपलाइन कभी गलत रास्ता नहीं बता सकता। I'm right. Yes. तो यही जज्बा रखिए, तो मेहनत करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और टारगेट सेट करना पड़ेगा। और अपना देखिए, डर बोला हमारे सर ने, डरना जरूरी है, जीतने के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, तो खून उबाल वाला चाहिए, ऐसा ठंडा वाला खून नहीं चाहिए दोस्त, आप लोग नहीं बनेंगे डैम। तो आप लोग के अंदर उबाल है क्या? Yes. उबाल और वो उछाल है, yes. है? Yes. और आदमी बोले भाई, तो आप लोग को मोटिवेशन चाहिए तो आप सोचिए कि मैं क्रांतिकारी हूँ और मेरे साथ में बहुत सारे जाति हो रहा है, क्योंकि आज मुझे 1800 रियाल नहीं मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, क्योंकि मुझे मिलना चाहिए था 2000 रियाल। I'm right? Yes. और बहुत आदमी को तो यहाँ पे फंसा के लेके आया, तो उसका बदला लेने के लिए सोचा है क्या आपने? नहीं नहीं, नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचे भाई? और आतंकवादी तो सोचते हैं भाई, क्योंकि हमको बदला लेना है। तो मैं कहता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग को भी डायरेक्शन में तो अगर सफल होना है, डायमंड बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो ये नहीं, मैं देखा बहुत, मेरा टीम का लीडर है, क्या करते मालूम है, मैं उधर खड़ा हूँ, बोलते सर बहुत भीड़ है आप खड़े हो जाओ, अरे भाई शर्म नहीं आता क्या? शर्म नहीं आता अपने बॉस को बोल रहे हो लाइन में लगाने के लिए? बॉस तो नहीं होता है अध्यक्ष, फिर भी तो सीनियर का थोड़ा इज्जत करो भाई, है कि नहीं? क्योंकि यार लेबर में 25 ताबों को खाने के तुम सकते हो, उसमें भीड़ नहीं लगता। कौन आदमी, बहुत आदमी यहाँ पे आज बैठे हैं, कोई ताबों को उठा के आए नहीं भाई? ताबों को तो नहीं कोई उठाता भाई, नहीं उठाते, तो सब आदमी इधर शायद अच्छे पोस्ट पे है। I'm right? Yes. तो कोई जो कि धूप में काम नहीं करते, कोई भारत भाई इंजीनियर आदमी भी धूप में काम करते नहीं, देखा हूँ कुछ, क्योंकि वो थोड़े देर के लिए तो जाना ही पड़ेगा बाहर, मुझे भी जाना पड़ता है भाई, मैं खुद धूप में से आया हूँ। I'm right? Yes. झूठ मत बोलिए, ठीक है, तो धूप में काम करते हैं, यहाँ तो लाइन में लग सकते हैं। अरे भाई वो बाहर जो काम करते हैं पेट चलाने के लिए मिलता है, आप लोगों को ये सोचिए किस लिए मिल रहा है। अगर डायरेक्शन का बोनस आप लोगों को क्यों मिलता है मालूम है? आपका बच्चे के लिए, सरकारी जॉब के लिए मिलता है। और पैसा का समस्या हर आदमी को मैं देख रहा हूँ, हर आदमी को पैसा का समस्या आप लोगों को आम हो चुका है, पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई आप लोगों को मैं बोलता हूँ, अभी जस्ट एक ऑफर निकला है नेपाल में, सरकारी जॉब मिलेगा, उसमें 1 लाख रियाल सैलरी है और जॉब फिक्स है, 10 लाख रुपया दोगे, घूस चाहिए
देंगे नहीं देगा क्यों नहीं देगा भाई अभी बोल रहे हैं सामने क्लास में बैठे तो जो होता ना तो शरीफ में कोट जब लगा लेता ना तो बुंदा भी बोलते हैं कि हम शरीफ हो गए ऐसा मत बनिए दोस्त अंदर है क्योंकि देंगे आप लोग जरूर मैं कहता हूँ भाई इसमें आने के लिए मैं आज जो कमा रहा हूँ लाखों में इसके लिए मुझे 282 रुपया बस देना पड़ा और आप लोग बेरियासी रियाल भी नहीं देना चाहते सब कब पकड़ना चाहते हैं अरे भाई फ्री में तो कुछ नहीं मिलता जहर भी नहीं मिलता आपको डिलेक्शन का प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा और ये जो कि सिस्टम क्यों मिलेगा फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता क्योंकि फ्री में माँ बाप भी कहता हूँ मैं माँ बाप भी नहीं बच्चे को पालते क्योंकि बच्चे को क्यों पालते मालूम है बुरा लगेगा शायद तो माफ करिएगा क्योंकि पूरे वक्त में मुझे साथ दे इसीलिए पालते है भाई बच्चे इसीलिए जमाते क्योंकि देखिए बेटा ही क्यों चाहिए इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ बेटे भी तो चल सकता है वो भी तो औलाद है वंश बढ़ाने के लिए लेकिन बेटा रहेगा ना तो कमा के खिलाएगा ऐसा सोच होता है कि नहीं भाई yes. आप लोग के अंदर भी ये सोच है कि नहीं yes. तो आपके अंदर लोभ है भाई है कि नहीं yes. लोभ है कि नहीं yes. अंदर वो लोभ है तो लोभ तो सभी को होता है आई एम राइट यार बिना लोभ का बिना रीजन का काम कोई नहीं करता तो रिएक्शन क्यों कर रहे हैं रीजन ढूंढिए क्योंकि हम यहाँ से कुछ पाना चाहते तो पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है दोस्त तो अपना नींद चैन को त्यागो तुम नींद चैन त्याग दीजिए मेरे जैसे पागल बन जाइए पागल बन जाएंगे डायमंड आप लोग भी बन जाएंगे आप लोग का भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा सोच बदल देंगे ओके इफ यू चेंज योर लाइफ इफ यू चेंज योर माइंड अगर आप अपना जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपना सोच बदलना जरूरी है सर सोच नहीं बदलेंगे और वो भाव नहीं लाएंगे क्रांतिकारी में जो कि इरादा नहीं रखेंगे आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों क्योंकि आप सोचिए कि मुझे ये पाना है और इसको मारना है मारना सोच लीजिए क्योंकि रिएक्शन का जो सिस्टम है ना वो एक सिस्टम मुझे पाना है इसके लिए मरना पड़े तो जान भी आ जाए दोस्त क्योंकि आर्मी लोग को पता है आप लोगों को yes, yes. वो नाम के लिए मरते हैं मालूम है उसमें सैलरी भी ज्यादा नहीं मिलता उन लोगों को वो लोग सैलरी के लिए करता है क्या सैलरी के लिए नहीं करता क्योंकि मेडल चढ़े अरे भाई मैंने भी मेडल चढ़ाया जैसा आर्मी का मेडल है उससे ज्यादा आर्मी मरेगा अगर मैं आर्मी होता तो नेपाल का आदमी बस सलाम करता नेपाल का मंत्री सलाम करता अगर मैं मरूंगा ना तो कितना देश का आदमी सलाम करेगा क्योंकि मेरा पहचान 200 देश में है और 200 देश का जो मैक्सिमम हर एक देश से एक लीडर को तो मैं मिल के आ गया हूँ आई एम राइट कम से कम हैंड शेक किया हूँ फोटो खींचा हूँ बोलो ना और ये जो वीडियो बनाया ना वो वीडियो तो है मेरे पास आई एम राइट पर भाई 200 देश का लीडर से मिल गया हूँ अरे इससे बड़ा नाम क्या होगा इससे बड़ा पहचान क्या होगा देखिए बहुत महात्मा गांधी का आज हर जगह पे आपको फोटो मिल जाएगा हर जगह पे हर चौराहे पे आपको पुतला उसका मिलेगा है ना अरे भाई मेरा भी रिएक्शन है देखिए मेरा बहुत फैन है भाई हर दिल में बसता हूँ ये सब चीज रखिए आप लोग किसी के दिल में बैठिए अभी मेरा फैन आया था तो आप लोग के दिल जो कि कॉपी कैट हो ऐसा सोचिए आप